आपका लड़का यहीं एग्रीकल्चर में पढ़ता था जी। क्या नाम था चाचा उसका? सुनील कुमार। सुनील कुमार। अच्छा, आपका क्या नाम है? लालचंद। लालचंद। किस डिपार्टमेंट में? एग्रीकल्चर में पढ़ता था। आज क्या कर रहा है चाचा वो लड़का? पहले तो विशेष निकाले तो जिला कृषि अधिकारी बने। भाभी जी ने क्या किए बार मालूम, बहुत गजब था। बहुत लोगों का खानदान चल रहा है, परिवार चल रहा है, कितनी बहस हो रही है, ये पूरा चैनल चल रहा है। हमारा नहीं चल रहा, हमारे बच्चे निकल रहे हैं, हाईएस्ट पीसीएस में निकल रहे हैं। मसाल पहले बीएचयू में मसाल जलती थी, खंभे में जलती थी। बीएचयू में आए तो हम क्या करें? बस बीएचयू में आप आ गए, भगवान के दया मालवी जी के जगह से आपका एडमिशन हो गया, तो पढ़ लीजिए बाबा। हम तो जानते हैं कि जो 25 बरस त्याग कर देगा तो दो चीज़ बन सकता है, बहुत आगे जाएगा या कोई संत बन जाएगा जिस विभाग में आप जाएंगे। हाँ था, आज इतना कॉम्प्लेक्स बन गया है, बढ़िया बढ़िया एकदम हॉस्टल बन गए हैं, फिर भी देख रहे हैं माहौल पढ़ने लिखने का नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों? अब ऐसा क्या माशा देख ही रहे, बस पढ़ाई नहीं हूँ, खाली घुमाई है, बैठा के गाड़ी पर लड़कियों के इधर उधर घूमना फिरना, क्या करते हैं हॉस्टल में? तो ओम प्रकाश, भरत सिंह ये सब थे, तो उस समय में हॉस्टल में घूस घूस के मारे थे। ओम प्रकाश को बहुत काफ़ी मारे थे, हॉस्टल में घुस करके मारे थे। हॉस्टल में घुस के बीसी बंगला था, धरना प्रदर्शन में थे, वहाँ पर मारे थे। ओम प्रकाश सिंह कैबिनेट मंत्री, इनकी बातें हो रही है, कोई नॉर्मल ओम प्रकाश सिंह की बातें नहीं हो रही है। बीएचयू का छात्र संघ, बीएचयू का आईटी का छात्र थे मनोज सिन्हा। अच्छा, मनोज सिन्हा जो अभी राज्यपाल हैं, यहाँ पर कश्मीर एलजी शासन चला रहे हैं कश्मीर में, उनके बारे में कुछ कहानियाँ सुना रहे हैं चाचा कि वो बीएचयू के छात्र संघ के अध्यक्ष थे और वो हॉस्पिटल में थे, फिर भी छात्रों ने उन्हें जिता दिया। बहुत मतलब गौरव से भर गए होंगे वो, एकदम उनको उसी जगह बैठते थे वो। बीएचयू का क्या माहौल रहा? क्या नाम है चाचा आपका, ये बताइए। बीएचयू का माहौल तो पहले था ठीक ही था, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना बीएचयू, तो अब तो इतना, पहले तो 40-45% पर आईटी का एडमिशन हो जाता था। हाँ, 40-45 पर। अब तो अब तो 80-85 ऐसे आप लाएंगे तब जाके कहीं एडमिशन हो रहा है, बहुत पढ़े रहेंगे तो। अब दिन पे दिन कंपटीशन टफ हो गया, टफ हो गया है। लेकिन पढ़ाई क्या, पढ़ाई भी होती है? लोग छात्र बताते हैं पढ़ाई होती बीएचयू में? जब नहीं पढ़ेंगे तो कैसे टॉप करेंगे, कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते हैं, पढ़ेंगे ना तो, जब से पढ़ेंगे नहीं तब से निकालेंगे नहीं। अब तो पढ़ाई यहाँ का बहुत टॉप हो गया, पहले तो टाइप क्या था, 45 नंबर से समझ लीजिए बिहार उहार का जितने थे वो आके नंबर लेके आईटी कर लिए, सब पढ़ लिख के चले गए और सब अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी चले गए, ऐसी बात नहीं कि बैठे। अब तो लोग देख रहे हैं पढ़ के बैठ के घूम रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे, नौकरियां नहीं हैं। नहीं, नौकरी नहीं मिल रहा, ऐसा हो गया सब। क्यों आंदोलन इतना हुआ देखे नहीं? अभी आज के 10 दिन पहले क्या क्या फूका गया, तापता गया बिहार और कहाँ का, हर देश में देखेंगे हर समस्या वो चीज़ बढ़ गई थी, फिर बढ़ा, उसके कोई सुनवाई हुआ नहीं कि हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। लड़के चिल्लाते चिल्लाते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। लड़के चिल्ला दिए, हजारों करोड़ों की संपत्ति फूंक दिए, मर गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आज भी कुछ नहीं हुआ, जस का तस पड़ा हुआ है। सब एक बेरोजगारी, सब एक छोटी सी नौकरी, 24,000-25,000 की नौकरी के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, और ये भारत में हो रही हैं। कब हो रही हैं? 2022 सदी में, 2022 से। इसके पहले इतनी मारामारी नहीं थी? नहीं 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 थी। ये क्या लड़के, मान लीजिए कि धरना प्रदर्शन करना तो शांतिपूर्ण करना सही है, लेकिन लड़कों की भी तो गलती होगी कि उन्होंने सरकारी संपत्ति फूंक दी, रेलवे फूंक दी। खैर बीएचयू के अंदर बच्चे जो इतने हैं ऐसा गलत तो करते नहीं हैं, बीएचयू के अंदर का, बाहर का तो बात ही छोड़ दीजिए, इसके अंदर तो अब देख रहे हैं कोई बच्चे ऐसे गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, कोई फूक ताप नहीं, कुछ बलाऊ जलूस निकाल के चल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं,
कायदे से छिपाक्षरी बोर्ड का जो है गाड़ी पीछे पीछे लगी रहती, कोई परेशानी नहीं, एकदम सुरक्षा के साथ। सुरक्षा के साथ बाहर में ये सब यहाँ पे हुआ है? हाँ। इसके अंदर कहीं खूब टाप हुआ है? स्टेशन तक हुआ है। अच्छा, यहाँ बनारस में स्टेशन पे भी हुआ था? हुआ था, हुआ था। चाचा एक लोग मतलब आप हमको पुराने से जब आए थे, फिर पिछली बार आया था, मैं पिछला वाला वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा, ये वीडियो फ्रेश नया बना रहा हूँ। कुछ मैं चाचा के बारे में जानता भी हूँ। आपका लड़का यहीं एग्रीकल्चर में पढ़ता था जी, क्या नाम था चाचा उसका? सुनील कुमार। सुनील कुमार। चाचा आपका क्या नाम है? लालचंद। लालचंद। किस डिपार्टमेंट में? एग्रीकल्चर में पढ़ता था। आज क्या कर रहा है चाचा वो लड़का? पहले तो PCS निकाले तो जिला कृषि अधिकारी बने ज्ञानपुर भदोही में, और फिर उसके बाद फिर डबल PCS निकाल दिए तो यहाँ ये क्या नाम अब तो चले गए हैं वहाँ पर बिहार, ये खुशीनगर, खुशीनगर, खुशीनगर कमिश्नर हो गए हैं। कमिश्नर हो गए अधिकारी विभाग में? हाँ, 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 आप बता रहे थे। हाँ, अधिकारी विभाग में सेल टैक्स। मेरी भी याददाश्त थोड़ी सी तेज है, लेकिन चाचा आप उस दिन हमको हिंदी आंदोलन की थोड़ी बहुत बातें बता रहे थे, आप आज कह रहे हैं आप नहीं जानते कुछ भी। हिंदी क्या बताऊं हमने? अच्छा, हम आपको नहीं मालूम होगा कि हिंदी पे था कि किस पे था। एक आंदोलन हुआ था BHU में, बहुत पहले हुआ था, ठीक है, 60 वाट के समय में। तो उस समय क्या हुआ कि PSC घुस गई थी, छित्तूपुर गेट तक लोगों को मारते हुए खदेड़ते हुए भगाई थी, और बात सही है, कई लोग छठ दिवाली डाक रहे थे, तो ये मतलब ये जांग जो होता है वो फंस गया, फट गया, कई लोगों का टांग टूट गया, कई लोगों की हड्डी दिख रही है, एक किताबों में लिखा है जी। ऐसा तो सही बात है, ऐसा कुछ? हाँ सही बात है, गलत नहीं है, सही बात है। उस समय में ओम प्रकाश थे। ओम प्रकाश कौन? ओम प्रकाश सर ये जो क्या है मंत्री है, जो अभी मंत्री हुए थे, अभी इस टाइम पर नहीं है कुछ। तो वो उस समय में तो इतने वो मार खाए। अच्छा, वो जो गाजीपुर वाले? गाजीपुर वाले, गाजीपुर वाले, गाजीपुर वाले ओम प्रकाश थे। उस समय में मनोज सिन्हा थे, IIT से पढ़े हैं वो, ITI पढ़े थे, क्योंकि वो इलेक्शन में कभी घूमे नहीं, उनको डंजी हो गया था, पीलिया हो गया था। मनोज सिन्हा को? हाँ, इसी अस्पताल में भर्ती थे, वह लड़के सामने उनको जिता दिए। IIT का छात्र थे मनोज सिन्हा। अच्छा, मनोज सिन्हा जो अभी राज्यपाल हैं, हाँ हाँ, यहाँ पर कश्मीर LG शासन चला रहे हैं कश्मीर में, कश्मीर, उनके बारे में कुछ कहानियाँ सुना रहे हैं चाचा कि वो BHU के छात्र संघ के अध्यक्ष थे और वो हॉस्पिटल में थे, हाँ, फिर भी छात्रों ने उन्हें जिता दिया। बहुत मतलब गौरवान्वित, गौरव से भर गए होंगे वो एकदम, उनको उसी जगह बैठते थे वो आपके यहाँ दुकान पे? हाँ, हमारे यहाँ दुकान पर बैठते थे, पान खाते थे, उस समय में पान की दुकान थी, पान की दुकान थी, सब कोई इसी जगह अड्डा उन लोग का था, अड्डा था, बैठते क्या थे? अगर मैं अड्डा यहाँ बैठ के लगाता हूँ तो 10 दिन 20 दिन 1 साल 2 साल बैठूंगा अगर यहाँ पे, तो आप मेरी हरकतों को जान जाएंगे। हाँ बिल्कुल। क्या हरकतें थी मनोज सिन्हा की? बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, किसी से लड़ाई न, किसी से झगड़ा, जो जाते थे बच्चे उनका सुनते थे, हर चीज़ ध्यान से अच्छी तरह से सुनते थे, सज्जन, हाँ एकदम सज्जन थे, तभी न जीत गए, उनको पीलिया हुआ था, अस्पताल में भर्ती थे लड़के ने, सब कोई उनके साथ में, ये एनन सिंह जो एग्रीकल्चर में, हाँ, फिशरी डिपार्टमेंट के हेड, अभी रिटायर हो गए हैं, जो GRX के हैं, उन्हीं का है GRX, कोचिंग, अच्छा वही एनन सिंह है ना जो एग्रीकल्चर के फिशरी डिपार्टमेंट के छोड़ी थे, BHU आज भी आते हैं यहाँ पर, एनन सिंह आते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ दुकान पर बैठते हैं, उठते हैं, परसों आए थे इस फिल्वा में जो साइज करते हैं, घूमते हुए। एनन सिंह मनोज सिन्हा के दोस्त थे? हाँ बहुत, वो तो बहुत मित्र थे उनका, गहरी मित्रता थी। हाँ। दोस्तों एक बात बताऊं, एनन सिंह मतलब एक बात है, अब इसमें ज़्यादा सच्चाई है चाचा भी बता सकते हैं, एनन सिंह की जो बेटी है जी, और मनोज सिन्हा का जो बेटा है, उनके साथ दोनों का शादी हुआ है आपस में एक दूसरे को, तो ये मतलब ये बात सही है? बात सही,
मनु सिन्हा के बच्चे से शादी हुआ है। पान लगाना चाचा बंद करवा दिए कैंपस में? बेचू बंद कर दिया पान का दुकान। क्यों पान लगाना बंद करवा दिया? अब उसके लिए तो बेचू जाने, हम क्यों बताऊं। पान और ठंडा कोल्ड ड्रिंक पान और ठंडा कोल्ड ड्रिंक सब बंद कर दिए। बीड़ी सिगरेट सब कुछ भी नहीं, लेकर ना स्मोक आपको कुछ भी अंदर नहीं मिलेगा। दंडनीय अपराध है अगर आप यहाँ पे स्मोक करते हैं तो, और गाड़ी से भी ट्रिपलिंग नहीं घूम सकते। लेकिन उल्लंघन लोग करते हैं रोज, और वो छात्र लाइन तो आगे बाहर से पीते खाते हैं, कौन रोक रहा है? लोग कहते हैं कि बाहरी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं कैंपस को। बाहरी तो जैसे हमने बहुत ढेर सारे इंटरव्यू लिए लड़कियों के, उनका कहना है कि बाहरी आ जाते हैं, कुछ भी कमेंट करते हैं और भाग जाते हैं। और स्टूडेंट ऐसा जो यहाँ पढ़ता है, शिक्षित है, वो तो ऐसा काम नहीं करता कभी भी। सब जितने भी गलत है सब बाहर का, यहाँ के बच्चे नहीं कुछ करते हैं। ऐसी बात नहीं, रहते हैं, बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर ऐसे उल्लंघनपन तो नहीं होता है। चाचा 2017 में आते हैं, 2017 में डायरेक्ट अब मनोज सिन्हा से उठ करके लड़कियों का एक बहुत बड़ा धरना हुआ था आपके यहीं पे, इसी चौराहे पे आग जली हुई थी, सब लोग लकड़ियाँ जुटा करके यहीं आग जलाए थे PSC-VSC को रोकने के लिए। 2017 के धरने में चाचा क्या हुआ था, यहाँ तक PSC घुस गई थी? PSC तो इसके आगे नहीं बढ़ी है, बस यहाँ तक तो रुकी है। उसके बाद उधर नहीं, गश्त तो मारते ही थे, PSC गाड़ी घूमती थी जाते थे, मैं हॉस्टल में नहीं घूम के मारते पीटते थे। हॉस्टल में तो ओम प्रकाश, भरत सिंह ये सब थे, तो उस समय में हॉस्टल में घुस घुस के मारे थे। ओम प्रकाश को बहुत काफ़ी मारे थे, हॉस्टल में घुस करके मारे थे। हॉस्टल में घुस के BC बंगला था, धरना प्रदर्शन में थे, वहाँ पर मारे थे। ओम प्रकाश सिंह कैबिनेट मंत्री, इनकी बातें हो रही है, कोई नॉर्मल ओम प्रकाश सिंह की बातें नहीं हो रही है। चाचा ये जो PSC जब घुसती है कैंपस में, तो क्या तगड़ा उसको पूरा जिम्मेदारी होता है कि मारे, बल ही मारे? तो आदेश ले के चलते हुए, जैसे तो बिना आदेश चिपका करके आदेश से नहीं आते होंगे, चिपका कर आदेश देता होगा तब आते होंगे। उसके पहले कितने साल से लगभग जैसा BHO को देख रहे हैं हम? हम तो सन 62-63-65 से देख रहे हैं। ये सब रोड फोन नहीं था उस समय में। अच्छा, ये सब गिट्टी का पड़ा था, हॉस्टल में लैट्रिन बाथरूम जो था संदास बना था, पीछे पीछे राजपूताना जाइए, डे हॉस्टल हॉस्टल ये सब पीछे संदास बना था। और पीठ पर लाद के वो मशक टाइप पानी ऐसे धुलाई करते थे। क्या करते थे, किसको? वो जो पीठ पर डाल देते पानी ले सुपर, सब नाली उली साफ करते थे। अब तो सब कल लग गया हर चीज, पहले इस तरह था। मालवीय जी ने क्या किए बाहर मालवीय, बहुत विलोपता, बहुत लोगों का खानदान चल रहा है, परिवार चल रहा है, कितनी बहस हो रही है, ये पूरा चैनल चल रहा है। हमारा नहीं चल रहा है, हमारे बच्चे निकल रहे हैं, IAS PCS निकल रहे हैं, अब क्या चाहिए बताइए, अब क्या चाहिए? हमको तो मालवीय जी का सक्षम भगवान है हमारे लिए। इसीलिए मेरे पास ऑफिस नहीं है कोई, मेरा मोबाइल ही पूरा ऑफिस है, तो मैं एक मालवीय जी की फ़ोटो यहाँ पे रखता हूँ। क्यों रखता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि दुकान में सब लोग मालवीय जी की फ़ोटो लगाते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी कहीं पास में रखना चाहिए मालवीय जी को। तो ठीक है, मालवीय जी संस्थापक हैं BHO के, बहुत मेहनत से परिश्रम से यूनिवर्सिटी बनाया था। अब फिर भी सुनिए, एक हमको सोचने वाली बात होती है कि मालवीय जी ने इतने बनाए, मैं लंका गेट के बाहर वो चौकीदार टाइप खड़ा कर दिए, वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ मुंह करके नहीं, उधर मुंह करके उत्तर दिशा जो होता है शुभ होता है, दक्षिण दिशा होता है वो थोड़ा मृतुक होता है, उधर की लक्ष्मी की भास होती है। क्यों उनको अकेला छोड़ दिया वहाँ पे, बताओ इसके बारे में, हम क्या बताएं कि क्यों उनको बाहर में झंडा लगा के छतरी लगा के खड़ा कर दिए। लेकिन मालवीय जी तो हर मालवीय भवन बना है हर एक जगह भी विराजमान है, जैसे आपके दुकान में है, सभी के डिपार्टमेंट के ऑफिस में है, विराजमान तो है ही, हमारे फोन में है, ये हम जान रहे हैं। हाँ, खूब अच्छी तरह से मालूम है, देखते हैं, सुनते हैं हर चीज। क्या चीज़ आप जानते हैं मालवीय जी के बारे में, कुछ बताएंगे छात्रों को? बताइए, बच्चे जो नए आजकल के ज़माने के आ रहे हैं कुछ नहीं मालूम, बताइए क्या थे मालवीय जी?
अब हम क्या बताओ उसके बारे में, तब नहीं पता बजल हुआ चाचा यही थी। हाँ, पूरा मालवीय जी का बना वाली यूनिवर्सिटी है, और कुछ बताओ उनके बारे में। क्या बताऊँ, बता दिए नहीं तो उनको क्यों, इतना रचे हुए हैं सब कुछ, उन्हीं से कितने लोग खा रहे हैं जी रहे हैं, कितने बड़ा ये संख्या बढ़ गया है इसके अंदर। हाँ, और उनको गेट के बाहर खड़ा कर दिए, खड़ा नहीं, उनको तो ये बनवा देना चाहिए बढ़िया तरह से, कहीं चौराहा है या कहीं अपने बेचू के अंदर। वीटी पे बना है लेकिन ना, वीटी पे मंदिर पे। हाँ, मंदिर पर बना है, मंदिर पर बना है, मंदिर पर बना है, ठीक है मंदिर। चलिए, वो बातें अपने जगह ठीक है। बीएचयू का कोई एक किस्सा बताइए चाचा जो आपके जीवन में घटा, की बहुत मजेदार था यार हम, या फिर बहुत ये बहुत खतरनाक, मैंने आज दृश्य देखा, भयानक दृश्य देखा, या फिर बहुत बढ़िया देखा, मन खुश हो गया, कुछ ऐसी बात। हम तो बढ़िया देख रहे हैं भाई, कोई एक बढ़िया बात बताइए। कोई बढ़िया, यहाँ पर सब बढ़िया, मालवीय जी के आशीर्वाद से सब बढ़िया, सब बढ़िया है, सब बढ़िया, मालवीय जी के आशीर्वाद से सब बढ़िया है। कोई छात्र मतलब आपके बच्चे जो हैं आज IAS PCS हैं, अच्छे जगह में पोस्टेड हैं, पढ़ाई का क्या महत्व होता है चाचा जीवन में? पढ़ाई भाई, तो पढ़ाई हर डिपार्ट तो है ही है PSU के अंदर में। पढ़ाई का महत्व जीवन में, जीवन में क्या है, पढ़ना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, आजकल आप पढ़ेंगे नहीं तो कुछ कर नहीं सकते, पढ़ेंगे तो कर सकते हैं, पढ़ना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। यदि पढ़ेंगे नहीं पढ़ते तो सभी कोई IAS PCS हो जाता, जो पढ़ेगा वही ना होगा। आपके भी सुपुत्र बहुत मेहनत किए होंगे? थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा किए। वो तो पढ़ते पढ़ते इसी के अंदर दुकान के नीचे बैठ के पढ़ता था, वो जो नीचे से दिखी उसी के अंदर बैठ के इसी में हम सोते थे, रहते थे, पढ़ाते थे, उठाते थे अपने बच्चों को। BHU से पढ़े हुए छात्र हैं, BHU में ही दुकान है, दुकान के नीचे बैठ करके पढ़ लेते हैं, आज IAS PCS हैं। और चाचा आज के समय में इतने बड़े बड़े हॉस्टल्स बन गए हैं, उस समय तो कोई हॉस्टल नहीं था, बस ब्रोचा, बिरला, रुइया, धनवंतरी, लिमडी, यही सब था, राजपुताना था। आज इतना कॉम्प्लेक्स बन गया है, बढ़िया बढ़िया एकदम हॉस्टल बन गए हैं, फिर भी देख रहे हैं माहौल पढ़ने लिखने का नहीं है। नहीं, ऐसा क्यों? अब ऐसा क्या, देख ही रहे बच्चों का हाल, देख रहे हैं ना कैसे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं सर, सभी बाप मतारी तो पैसे देने से कोई इनकार नहीं करता है, खूब देते हैं पैसे, वो क्यों नहीं हो जाते हैं IAS PCS, हो जाना चाहिए, आग नहीं अंदर, बस पढ़ाई नहीं है, खाली घुमाई है, बैठा के गाड़ी पर लड़कियों के इधर उधर घूमना फिरना, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते बच्चे। 3 साल तक हम समय बिताते हैं जब हम कैंपस में आते हैं, बताइए कुछ गलत बोलूँगा तो तुरंत रोक दीजिएगा, आपके पास ही माइक लगा हुआ है। हम 3 साल के लिए कैंपस में आते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे तो 4 साल करेंगे, MBBS करेंगे तो 5 साल करेंगे, ये हमारा बेस होता है। एक और बेस होता है 11-12 जब हम बिगड़ना स्टार्ट करते हैं। यदि कोई भी बच्चे यदि 18 के पहले संभर गया, 20-22-12 निकाल लिया बढ़िया तरह से, तब तो वो बच्चे निकलते चले जाएंगे। एक फैक्ट्री तैयार हो गई, उनकी तैयारी ज़्यादा करके तो हाइयस 12-10-12 यही चलता है ना, वही हर जगह घूमता है। हाँ, फार्म उसका वही हर जगह घूमता है। हाँ, रिजल्ट पहले 10 का, फिर उसके बाद एडमिशन होने जाता है तो 12 खोजते हैं, खोजते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, 13 नहीं खोजते हैं, 14 नहीं खोजते हैं, 13-14 जाएंगे तो BA करना शुरू कर देंगे। हाँ, बात दरअसल ये है कि हम जब कैंपस में रहते हैं तो हमें लगता है कि ये छूट मिली है घर से, घूम लो, टहल लो, ऐश कर लो, नशा कर लो, मतलब हर चीज़, जॉब बोल रहे हैं लड़की को घुमाने का काम, सब कुछ सब लोग करते हैं, लेकिन उसकी दिनचर्या क्या होती होगी जो एक दिन IAS बन जाता है, जो एक दिन प्रोफेसर बन जाता है, उसकी दिनचर्या थोड़ी सी तो अलग होती होगी। जब वो अपना उसी पर ध्यान देंगे, हाँ, जिस लिए BHU में आए हैं, जब उसका ध्यान देंगे तो क्यों नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे, रात रात और लड़के पढ़ने वाले पढ़ते ही,
समय बिताना बंद करें। अगर आपको लगता है कि संगत का असर, चाचा बात करेंगे थोड़ी सी संगत, संगत बहुत बड़ी चीज होती है संगत। संगत अच्छा कर, पढ़ाई लिखाई में जो अच्छे बच्चे हैं उनके साथ, उनका साथ कीजिए, उनको से मिलिए, उनसे दोस्ती कीजिए, वो अच्छे अच्छे बात बताएंगे पढ़ाई लिखाई का। वैसे के साथ संगत करेंगे तो जो संगत में वो घूम रहे हैं वही करेंगे, वही बात बताएंगे, दूसरी तो बात बताएंगे नहीं। तो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई जो संगत करेंगे वही करेंगे, और कुछ नहीं कर सकते। और संगत का असर बहुत बड़ा बहुत होता है। संघर्ष से गुड़ होत को है, संघर्ष से गुड़ का, संगत ही सब कुछ होता है। आप संगत बढ़िया करेंगे संगत हर चीज़। हम तो जानते हैं कि जो 25 बरस त्याग कर देगा तो दो चीज़ बन सकता है, बहुत आगे जाएगा या कोई संत बन जाएगा जिस विभाग में आप जाएंगे। 25 बरस त्याग कर दीजिए और ज़िंदगी भर आप मजा लेंगे। 25 बरस तकलीफ उठा लीजिए, पर उसके बाद तो फिर ऐश आराम कीजिए ना, खूब करिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और जब 25 के भीतर ही आप ऐसा आराम करना शुरू कर देंगे तो आप कहाँ जाएंगे, बस उसी तरह रुक जाइए, बस जैसे संगत की वैसा करिए। सुन लो बच्चों, सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग, संगत में अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पढ़ने आए हैं, आपको कोई गलत आदमी मिल गया है, तुरंत छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें, तुरंत छोड़िए। अच्छा बच्चे का संगत कीजिए जो पढ़ने वाले हैं। पहले तो जो अच्छा बच्चा रहेगा तो संगत करेगा नहीं, आपके साथ आएगा ही नहीं, आएगा नहीं, आपका नेचर जान जाएगा कैसा। यदि वो बच्चा जान गया कि पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का है, उसको संगत में मिलते हैं। यदि पढ़ने वाले विद्या देने वाले लड़के होंगे तब हाँ। सब कुछ मतलब होता है, सब कुछ हंसी मजाक एक तरफ, लेकिन मैं आपको फिर से दोबारा बोलूँगा कि संगत का एक बहुत बड़ा असर होता है। अगर आपको लगे कि आपके जो संग में रहने वाले, साथ में रहने वाले दोस्त आप में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आप जो क्वालिटी जो आप सोचते हैं वो मेंटालिटी नहीं है, तो आप उनको बाइकआउट करिए, तुरंत दुनिया बदलिए अपनी। जैसे आप अपने फ़ोन को अपग्रेड करते हैं वैसे अपने लाइफ में सोच को अपग्रेड करिए, आगे बढ़िए। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो वहीं फंस के रह जाएंगे। हाँ, एक दिन आप उस दोस्त को छोड़ेंगे, एक साल बाद छोड़ेंगे, कहेंगे अरे यार मैं एक साल और बाद चला गया। सही बात है, जब बहुत गड़बड़ उनको समझ में आएगा दोस्ती में कि ऐसा हो गया तो ऑटोमेटिक को संगत छोड़ देंगे, यदि पढ़ने वाले बच्चों को। और यहाँ पे संगत का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है BHU में खास करके। बहुत ज़्यादा संगत, तो इतना संगत से असर बढ़िया पड़ता है, खराब होता है, दोनों बात होती है। BHU में आए तो हम क्या करें, बस BHU में आप आ गए भगवान के दया, मालवे जी के जगह से आपका एडमिशन हो गया तो पढ़ लीजिए बाबू। नहीं मिलता एडमिशन यहाँ पे, बहुत खास होते हैं, लक होता है तभी मिलता है एडमिशन, इतना आसान नहीं है BHU में एडमिशन पाना। बताएं ना कि 45-46% के ऊपर बच्चों का यहाँ IT में एडमिशन हुआ, और अब 80% आपका हाजिरी नहीं होगा तो आप इम्तहान भी नहीं दे सकते, ऐसा रूप में है। सच है या गलत है नहीं बता सकते। नहीं, सही कह रहे हैं। चाचा जब आपका पान का दुकान खुला हुआ था, अभी एक लोग आए थे पान पूछने की पान है कि नहीं, तो कौन कौन आते थे चर्चित लोग पान खाने? मनोज सिन्हा खाते थे क्या पान? बहुत खाते थे। हाँ, बहुत मनोज सिन्हा खाते थे, ओम प्रकाश खाते थे, सभी कोई सब बैठते यहाँ पर गढ़ थे उनका। हाँ, बैठ के हमारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करते थे, जैसे आप पूछ रहे हैं तैसे। हाँ, वो भी पूछते लोग बोलते हैं कि अरे हमारा क्या पोजीशन चल रहा है, लाचन जी बताओ। ठीक है, जैसा पोजीशन रहता है वैसे बोलते थे। ठीक है, जिसका थोड़ा गड़बड़ थोड़ा सुधार कर लीजिए। हाँ, थोड़ा घूमिए आप भी, मार्गदर्शन देते थे थोड़ा घूमिए। आपके बारे में सब लोग बताते हैं कि यहाँ पे लाइन से गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, प्रोफेसर्स रुकते थे, खाते थे, तब जाते थे डिपार्टमेंट क्लास लेने, ये खासियत थी। लेकिन आज पान का दुकान बंद कर दिया गया। दर्शन में एक लड़का था, अनिल तिवारी थे, यहाँ पर आते थे तो अजकर्षण में थे और पान खाते, एक बड़े शौकीन थे, आते थे जब पेपर चलता था उनका तो हमारे यहाँ आते थे तो हमारा पैर छूते थे,
और पान खाते थे और खा के जाते थे। हम उनको यही कहते हैं आप बहुत डबल ऑफिसर बन गए सर, जाइए। आज SSP हुए, SSP रामनगर में है। सुने तो आपसे मिलने भी आए थे। हाँ आए थे, हमको मिलने भी आए थे। पता लग ऐसा हुआ कि सुनील जी कोई प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पर गए तो चेहरा देखे उनका, ये तो लालचंद जी की तरह लड़का। आपका घर कहाँ है सुनील जी? हमारा घर ये बेचू में, मेरा पापा रहते हैं, ये पान का दुकान। अरे उनके आप उनके बच्चे हैं? चलो चलो चलो, तो चलो कब भेंट होगा? हमको यहाँ से बड़े वाला लड़का फ़ोन किया घर पर सोए थे, कहे अरे आपको एक अनिल तिवारी थे वो आए हुए हैं या भेंट करना चाहते हैं। हम तुरंत वहाँ से भाग के आए, आए चार थे पाँच थे गार्ड अथवा अपनी गाड़ी से आए हैं उनके, और साथ में सुनील भी बैठा के लेके आए थे। आए आते हुए पैर छुए हम कहीं, अरे सर आप कहाँ से मेरे पास आप आ गए गरिमा में। दोस्तों ये खासियत है BHU कैंपस की, जैसे इन चाचा को इज्जत देते हैं लोग, वैसे ही बहुत जगह ऐसी आपकी तरह बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, और सभी लोग यही कहानियाँ सुनाते हैं कि जो पुराने छात्र हैं, जो जो लोग जिनको जिनको जानते हैं, बड़ी प्यार से सम्मान से भाव से मिलते हैं, मतलब दिख जाता है। ऐसा नहीं है कि वो BHU के स्टूडेंट ही हैं तो इतना सम्मान दे रहे हैं। हम घूमने गए थे कन्याकुमारी, हाँ जब कन्याकुमारी घूमने गए थे तो हम थे, हमारे माता जी थे, पिताजी थे और एकाध लोग थे। हम लोग गए तो वहाँ क्वार्टर लेने के लिए खोजने लगे, तो लाइन लगा था बहुत लंबा, उस लाइन में हम भी खड़े थे। और इसी एग्रीकल्चर का लड़का था, हाँ मैनेजर था वो वहाँ पे, वो कन्याकुमारी के लगे, तो वहाँ पर गए तो वहाँ से एक गार्ड भेजे वो, तो दो आदमी खड़ा हुआ है उसको पकड़ के मेरे पास लिया। वो आया तुरंत मेरा गट्टा पकड़ा, हम घबरा गए, हम अरे भाई साहब हमने क्या किए हैं, हम तो लाइन से सही हैं। कह चलो साहब बना रहे हैं अंदर, आप कुर्सी पर से उतर के पैर छुए, उसके बाद कहें कहाँ, हम कहें माता पिताजी को लेकर थोड़ा घुमा रहे हैं हर जगह यात्रा कर रहे हैं। कह ऐसा ठीक है, कितने लोग हो? हम कह माता पिताजी हम एक आख लोग और, कहे टिकट मत कराना आओ चलो इधर बैठो। बैठे 5 मिनट उनके कुर्सी के बगल में, हम सब कोई तो किसी को बुलाएं, कि मेरा घर ये बगल में है आप चलिए वहाँ पर रहिए, 2-4 दिन खाइए नहाइए घूमिए फिरिए, हाँ वहाँ पर 2 दिन हम रहें, और 2 दिन रह के बात तो सही है। तो मैं वहाँ से खुद गाड़ी पर आए बैठाएं, आने जाने के लिए पूरी सब बनवाए हमको दी, और ये रास्ते में आप लिए। तो वो मैनेजर थे वहाँ पर, यहाँ एग्रीकल्चर का लड़का था। जो भी जिसके भी बारे में चाचा बता रहे हैं, अगर वो इस वीडियो को इत्तेफाक से कभी भी जीवन में देखे तो कमेंट करे बताए कि क्या हुआ था। और इतने मतलब ये दयालुपन नहीं, इतना भाव जो आप BHU कैंपस में पढ़ते हैं, कोई भी लड़का, एक लड़का जो करोड़पति का है, एक लड़का जो किसान का है, दोनों के अंदर पूरा कोर्स ख़त्म करते करते एक मेंटालिटी आ जाती है अंदर, प्यार अपने लोगों के लिए, प्यार BHU के लिए प्यार। और BHU के लिए प्यार तब बढ़ता है अपने कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, जैसे हमारे स्कूल के लिए बहुत प्यार होता है क्योंकि हम स्कूल छूट चुका है, ऐसे जब BHU छूट जाएगा आपसे तो ये प्यार आप में पनपेगा। आपका प्यार बढ़िया रहेगा तो आपका सेवा करेंगे जरूर भाई। तो हम तो यही बोलते हैं कि आप लोग चले जाएंगे, सब नौकरी वाले भी चले जाएंगे, जब से मैं जिंदा रहूँगा तब से इसी जगह आपसे भेंट करते रहूँगा। बहुत समय से चाचा यहीं पे बैठे रहते थे, जब पहले लाइट वाइट, जैसे ये हर जगह लाइट, इस समय हजारों लाइट कैंपस में रात को जल रही है, एक भी कोना BHU का आपको ऐसा नहीं दिखे, बाकी नहीं दिखेगा कि नहीं अंधेरा है वहाँ पे, कुछ गलत हो रहा होगा या फिर वहाँ पे कुछ, सब जान तो बहुत बढ़िया है। पहले कैसा था? पहले था क्या? पहले था तो पहले तो लालटेन जला रहे थे, एक आदमी था वो अथवा वो सीढ़ी ले लेता था और हाथ में वो जलाने वाला, तो हर अथवा में बत्ती लगा था मक्की तेल का,
उसको जलाता था, ये करता था। मसाल पहले बीच में मसाल जलती थी, खंभे में जलती थी। लाइन नहीं थी उस समय, लाइन थी था आईटी में डीसी, करंट डीसी, डीसी उसी जगह पैदा होता है, वही सप्लाई जहाँ जहाँ करना पाता था। मतलब पहले बीएचयू में लालटेन जलता था, लालटेन। अब कुछ पहले लड़कियाँ पढ़ती थी कि पहले लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी? नहीं पढ़ती थी, लेडीज स्कूल है नहीं, उसका नाम पहले लेडीज स्कूल रखा था। लेडीज स्कूल, महिला महाविद्यालय का नाम लेडीज स्कूल था। क्या उसके बारे में क्या कहानी है चाचा, कब वो लेडीज स्कूल में बदला? अब इसके बारे में कैसे हम बता दें, कहानी बताइए। ये जानते थे कि लड़कियां वहाँ पर रहती थी, अब तो कोई भेंट करने आपका भाइये न रहे तो पहले भेंट करने नहीं जाते थे, अब तो जो ही जाए तो ही अपना आईडी कार्ड दिखा दिए घुस गए अंदर जा सकते। बहुत समाते क्या क्या बात है। पहले ये छेड़खानी का केस और ये सब सारी चीज़ें जब पुराने समय में बीएचयू में सब चलती थी क्या? नहीं, छेड़खानी ये सब बात नहीं चलती कभी, हम तो नहीं सुने थे। उसके बाद न जाने में होता जाता होगा। तो जैसे जैसे मीडिया आई, कैमरा आया, लाइटें आ गई, गार्ड्स लगने लगे, और भी दिक्कतें बढ़ गईं। जैसे लग रहा है रोज कोई ना कोई इंसिडेंस, रोज केस हो जा रहा है। कोई मोबाइल छोड़ ले रहा है, लड़कियां पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, अच्छा तो अक्सर हाथ में लेके पढ़ते हैं, मार बैठते हैं। अच्छा एक कहानी थोड़ा सा बताइएगा, लोगों को संज्ञान कर दिया जाए, बच्चों को, बच्चे जो रोड पे चलते रहते हैं, अभी एक लड़का पीछे जा रहा है, वो भी ऐसे हाथ में मोबाइल लेते हुए जा रहा है और कान में या फिर लगाते हुए मोबाइल जा रहा है, तो अगल बगल के लोग, मतलब लोगों का कहना है जो बीएचयू में रहते हैं कि अगल बगल के लोकल्स क्या होते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं रास्ते पे चलते हुए, बाइक से आप हाथ में लगाए हैं मोबाइल छीन के गाड़ी से ही भाग गए, क्या ये बात सही है? तो सही है, मोबाइल की छिनेती हो जाती है, बहुत हो जाता है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप जिधर जिधर के आप चल रहे हैं, जिधर रोड नहीं है उधर का हाथ इस्तेमाल करिए, या फिर रोड वोड पे ऐसा फोन वोन मत इस्तेमाल करिए। लेकिन अभी कल एक बच्चे का मोबाइल वहाँ गिर गया और वो चला गया, तो हमने देखे वो मोबाइल को उठा के लिया कि हमने रख लिए अपने पास। एक घंटे के बाद वो बच्चा आया, अरे दादाजी हमारा मोबाइल आए थे, दो बिस्कुट लिए थे और पता नहीं कहाँ गिर गया। हम कहे शांत आओ बैठो, बैठा है हमको, ये मोबाइल ये है आपका? अब वो लगा उसको तो पसीना चलने लगा, तो हम कहे कि ले मोबाइल थमा दें उनको, जाने लगे। हमको नहीं जाइए, इस पर लिखिए आप कि हमने मोबाइल इनसे प्राप्त किए। हाँ, उनके दुकान कागज पे लिखवा लिया आपने। हाँ। MCPR के स्टूडेंट थे, BHU में पढ़ते हैं, शिवम नाम। हम कह लिख दीजिए, यदि कोई एक आध दो लड़के देख रहे थे मोबाइल को, हमको उठाते कहीं आके पूछ लिए तुम रखे हो झूठ बोल रहे हो, ऐसा होता है कि तुम रखे हो झूठ बोल रहे हो, हमने देखे हैं है? तो हम इसलिए इसको लिखवा लिए कि देखिए यदि कोई ऐसा बोलेगा तो उनको तुरंत हम दिखा दूँगा। चलिए यहाँ इतनी सच्चाई है, पढ़ना लिखना सार्थक है BHU में, एकदम बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया इन्वायरमेंट भी। लोगों को ये बता दिया जाए, लास्ट में अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, बहुत देख रहे हैं 40 मिनट होने जा रहा है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, दुनिया के कोने 24 देश से आ रहे हैं, भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, तो क्या ये लोग यहाँ पे आ सकते हैं? सिक्योरिटी सही है? जैसे आप मिले आप दुकान वाले हैं चाचा, इतना बढ़िया व्यवहार है, सबका व्यवहार ऐसे ही है, सब बढ़िया है यहाँ पे? अरे हम तो बहुत सामान यहाँ पाते हैं, मगर सबको दे देते हैं। एक रजिस्टर भी ऐसी तरह हम बनाए हैं, घर पर रखे हैं, दिखा देते हैं, जिसका जिसका सामान छूटता था दे देते थे। और ये इज्जत सम्मान, अच्छे से बात करना, कोऑपरेटिव, ये सब है यहाँ पे लोगों में? हाँ, हमारे साथ तो देखिए सर होता है बढ़िया बात, कोई गलत नहीं बोलता है, चाहे एक ऑफिसर यहाँ का हो, चाहे एक कर्मचारी हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, उनसे साथ में हमारा व्यवहार इतना बढ़िया हो, कोई आज तक हमको रे करके घुराया नहीं है, सम्मान करते हैं, सम्मान दादाजी अंकल जी।
ये दुकान कैसे मिलता है चाचा बताइए? ये दुकान स्टेट ऑफिस से हमारा हुआ है। स्टेट ऑफिस से इसका मंथली किराया देना होता होगा? कम से कम 1200-1300 रुपए देते हैं महीने। जो कहते हैं कि BHU में जिसकी जमीन चली गई उसको दुकान दे दिया गया, नहीं वो सब बात गलती है, ऐसा गलत बात है। नहीं चलिए बहुत अच्छा लगा। कुछ और बताएंगे क्या छात्रों को? कुछ सोचे रहे पढ़ लिख करके फिर आएंगे, ये दूसरी बार चाचा से मिल रहे हैं। जब जब हमको ज़रूरत पड़ेगी हम एक किताब बना रहे हैं, हर वीडियो को किताब की तरह कि एक जानकारी है जो इकट्ठा रहे। सुनिए इतने जो बातें आप किए तो किताब लिख रहे हैं या वीडियो कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो मेरी बात भी वहाँ पर जाती होगी या किताब के अंदर लिखते हैं ये सब वीडियो जैसे दर्शक देखते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से किताब लिखना इज नॉट लिखना ही वो नहीं है कि हम हिस्ट्री को लिख रहे हैं, हम आज जो बोल रहे हैं हम आज जो बतिया रहे हैं ये भी तो एक हिस्ट्री है। हाँ। आज किसी दिन पता चला कुछ हो गया मेरे को, मैं ही न रहूं, आप न रहें, कोई और जिनको कवर किया नहीं रहे तो, लेकिन उनका भाषा, उनकी बोली, उनका ज्ञान, उनका स्वभाव, लोगों के लिए सीख, सूझबूझ, समझ, उनका काम जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? वो तो जिंदा रहेगा, तो बस वही काम किया जा रहा है। लिख के किताब रख देते हैं। अच्छा लगा बात करके हम लोगों ने, कुछ गलत बात ही नहीं ना की? नहीं गलत बात कैसे, आप गलत बात करते हैं तो ना हम बात ही नहीं करते हैं। चाचा पिछली बार आए थे तो जब तक है जान मतलब वो जब तक है जान जाने जहान मैं नाचूंगी वाला गाना बज रहा था, उसके बाद और भी गाना बजा, सोले ओले का भी गाना बजा, चाचा बंद ही नहीं कर रहे थे रेडियो, और दूर से दिखाइए तो चाचा बंद ही नहीं कर रहे थे रेडियो, बोल रहे थे कि नहीं रेडियो परमानेंट चलता रहता है, रेडियो हमारा बंद नहीं होता है। तो हमारा आधा वीडियो जो है वो रेडियो की आवाज़ की वजह से नहीं अच्छा कट गया, कट गया तो हमें काट करके निकालना पड़ा। बचा कुछ आवाज़, हम सिर्फ कैमरे का इस्तेमाल करते थे, बहुत दिनों बाद माइक लिए हैं तो माइक लेने के बाद आवाज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, तो हमको लगा चाचा धीरे धीरे बोलते हैं आज माइक से कवर कर लेते हैं इनको। चलिए धन्यवाद, फिर से मिलेंगे, मिलेंगे एक नए वीडियो में नरेंद्र जी से। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।